subscribe and press the bell icon for latest update. जैसा कि बीते कई दिनों से कुमार विश्वास लगातार कह रहे थे कि उन्हें राज्यसभा जाना है, उसके बाद केजरीवाल ने ट्वीट किया और ट्वीट करके कहा कि जिन्हें पद का लालच है वो पार्टी छोड़ दे। उसके बाद अभी कुछ ही दिनों पहले भी 2 या 3 दिन हुए हैं, आम आदमी पार्टी ने पत्ते साफ कर दिए हैं कि आखिर कौन जाएगा राज्यसभा। इसमें एक नाम है आम आदमी पार्टी के संयोजक संजय सिंह का, दूसरा नाम है सुशील गुप्ता का और तीसरा नाम है नारायण दत्त गुप्ता का। अगर दोनों गुप्ता की बात करो तो दोनों बहुत बड़े कारोबारी हैं और दोनों के पास अतः पैसा है। कहा जाता है कि दोनों की संपत्ति कम से कम करोड़ों में है। तो ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं खुद पार्टी की तरफ से कि आखिरकार क्यों उनको टिकट दिया गया है जब वो इतने बड़े करोड़पति हैं। साथ ही ऐसा भी कहा जा रहा है कि केजरीवाल ने कहीं ना कहीं जातिवाद को बढ़ावा दिया है। सोशल मीडिया से लेकर तमाम विरोधी नेता भी इसी तरह केजरीवाल के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि आखिर जब आम आदमी पार्टी की स्थापना हो रही थी, जब उस समय भ्रष्टाचार के विरोध में कई लोगों ने आंदोलन किया था, उसमें जो केजरीवाल का साथ दिया था जिन लोगों ने, उनको क्यों नहीं दिया टिकट। और कुमार विश्वास जो लगातार शुरुआत से जुड़े हुए पार्टी की स्थापना से लेकर, उनको क्यों दरकिनार किया केजरीवाल ने। हालांकि इस पर अब गोपाल राय ने बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कुमार विश्वास भाजपा के लिए काम कर रहे थे और उन्होंने कई बार पार्टी को तोड़ने का काम किया है, इसलिए कुमार विश्वास का नाम नहीं रखा गया है। मैं आपको खबर भी दिखाऊंगी कि गोपाल राय ने क्या कहा। और गोपाल राय के बयान पर कुमार विश्वास ने पलटवार किया और कहीं ना कहीं बाहुबली की महिष्मती से वो महिष्मती की बात कर रहे थे, बाहुबली की संज्ञा दे रहे थे और बाहुबली में जितने कैरेक्टर थे उनको लेकर इनडायरेक्टली तौर पर अप्रत्यक्ष तौर पर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर निशाना साध रहे थे। साथ ही उन्होंने किम जोंग की तुलना कर दी है गोपाल राय से, यानी कि गोपाल राय को उन्होंने किम जोंग कहा है और कहा है कि वो विश्व में उन्होंने बहुत ही संकट वाले हालात पैदा कर रखे हैं। उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही हैं कुमार विश्वास ने। और गोपाल राय ने फेसबुक लाइव के जरिए कुमार विश्वास पर निशाना साधा है। हालांकि पहली बार नहीं है, 26 नवंबर याद करिए, बीती 26 नवंबर साल 2017 का, जब आम आदमी पार्टी की स्थापना को 5 साल हुए थे और दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजन किया गया था, वहाँ पर गोपाल राय ने कुमार विश्वास को मीर जाफर की संज्ञा दी थी। यानी कहीं ना कहीं लगातार उस पर तूल पकड़ रहा था। उसके बाद से गोपाल राय और कुमार विश्वास के बीच जो दंगल अंदर जारी था वो खुलकर सामने आ गया है। और अब राज्यसभा की टिकट को लेकर और ज्यादा खुलकर सामने आ गया है। कपिल मिश्रा का जिक्र करना चाहूंगी। कपिल मिश्रा ने भी बहुत मौके पर चौका मारा है, लगातार केजरीवाल पर बयान दे रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं। योगेंद्र यादव का जिक्र करना चाहूंगी, उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल दिख गए हैं। कपिल मिश्रा ने भी कहा है कि राज्यसभा की 2 सीटें बेची गई हैं और उसमें उनको काफी पैसा मिला है, इसलिए 2 गुप्ता यानी कि 2 वैश्य समाज यानी कि 2 बनियों को टिकट दिया गया है। और केजरीवाल खुद भी वैश्य समाज से आते हैं, यानी कि वो खुद भी एक बनिया है। तो क्या जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं केजरीवाल? और सबसे बड़ी बात, इसमें एक बहुत बड़ा यूटर्न है और ये यूटर्न किसी की नजर नहीं गई थी, लेकिन हमने इसकी पैरवी की और इसकी तह तक गए। तो हो सकता है कि कुमार विश्वास को राज्यसभा टिकट ना मिलने के पीछे बहुत बड़ी वजह अमानतुल्लाह खां भी हो सकते हैं। बहुत छोटा नाम, बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन काम बहुत बड़े किए हैं इन्होंने। अमानतुल्लाह खां और कुमार विश्वास की जो लड़ाई हुई थी उसको लेकर आम आदमी पार्टी में काफ़ी रस्साकशी चली थी, उनको सस्पेंड तक कर दिया गया था, उसके बाद फिर से उन्हें वापस भी ले लिया गया। और कपिल मिश्रा का जिक्र करना चाहूंगी, कपिल मिश्रा ने अरविंद केजरीवाल पर करोड़ों रुपए की घूस का आरोप लगाया था, उसके बाद से उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया। हालांकि वो विधायक हैं लेकिन लगातार हल्ला बोलते रहते हैं। और ऐसे में कपिल मिश्रा का जब केजरीवाल से विवाद हुआ था, उस वक्त कुमार विश्वास ने कपिल मिश्रा को सपोर्ट किया था
और यहाँ पर जब अमानतुल्ला खान ने कुमार विश्वास पर भाजपा के एजेंट होने का आरोप लगाया था तो वहाँ पर चीजें बिगड़ती हुई, हालात बिगड़ते हुए देखते हुए केजरीवाल ने एक्शन लेते हुए अमानतुल्ला खान पर ही एक्शन लिया और उनको सस्पेंड किया। लेकिन अब उनकी फिर से पार्टी में वापसी हो गई। लेकिन अगर कपिल मिश्रा की बात कहूँ तो कपिल मिश्रा को लेकर जिस तरह से कुमार विश्वास ने सपोर्ट किया और कई मुद्दों पर लगातार केजरीवाल के खिलाफ बोलते हुए नजर आए हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो शेयर किए हैं जो कहीं ना कहीं बयां कर रहे हैं कि केजरीवाल उनके खिलाफ इसलिए गए हैं क्योंकि वो पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थे। हालांकि कुमार विश्वास का ये कहना है कि उनकी पार्टी वो पार्टी नहीं रही जब उसकी स्थापना की गई थी, यानी कि कुमार विश्वास ने बीते साल उन्होंने एक बयान दिया था कि आम आदमी का विजन बनाएंगे, विजन टू, क्योंकि कुछ वायरस हैं जो पार्टी को खा रहे हैं। अब वायरस कौन थे इसका जिक्र उन्होंने नहीं किया था। लेकिन राज्यसभा का टिकट ना मिलने के बाद कुमार विश्वास खुद को शहीद कह रहे हैं। उन्होंने कहा था कि अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि तुम्हें शहीद नहीं होने देंगे, तुम्हें हम मार कर रहेंगे, ऐसे कुछ बयान दिया था। इसके साथ ही कुमार विश्वास ने ये भी कहा कि से छेड़छाड़ मत करो, बहुत हंसते हुए वो बयान दे रहे हैं लेकिन उनके बयान, उनके जो तेवर हैं, जिनके जो हाव भाव हैं वो साफ बयां कर रहे हैं, वो अंदर से बहुत आहत हैं क्योंकि उनकी बहुत अपेक्षाएं हैं थी कि उन्हें राज्यसभा का टिकट दिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से दो गुप्ता को टिकट दिया गया, उसके बाद संजय सिंह जो कि संयोजक हैं उनका नाम सामने आया, आशुतोष को भी इस रेस में शामिल किया जा रहा था लेकिन उनका पत्ता साफ कर दिया गया और बीते दिनों जो बैठक हुई है उसमें इन तीन नामों पर मोहर लग गई। अब मैं आपको खबर दिखाऊंगी कि आखिर गोपाल राय ने क्या कहा है, फिर दिखाऊंगी आपको कपिल मिश्रा ने क्या कहा है और आखिर अमानतुल्ला खां की इसमें क्या भूमिका है। आप देख सकते हैं हम आम आदमी पार्टी में किसे कटप्पा बता दे कुमार विश्वास, पार्टी के वरिष्ठ नेता गोपाल राय की ओर से लगाया गया पार्टी नेता कुमार विश्वास ने दिल्ली सरकार को गिराने की कोशिश की थी, ऐसा गोपाल राय ने कहा है। इसके बाद कुमार विश्वास ने पलटवार करते हुए पार्टी का कटप्पा बताते हुए कहा है गोपाल राय को कि माहिष्मती साम्राज्य की शिवगामी देवी कोई और है, यानी कि लगातार उन्होंने कहा कि फिल्म में कटप्पा माहिष्मती साम्राज्य का वफादार सेनापति है जो शिवगामी देवी के हर आदेश का पालन करता है। अब ये शिवगामी देवी कौन है ये पता नहीं है लेकिन कहा जा रहा है कि ये तुलना उन्होंने केजरीवाल से जरूर की है। किम जोंग से दुनिया परेशान है, कुमार विश्वास ने अपने बयान में कहा कि दिल्ली के विधायक और मंत्री गोपाल राय की आज 7 महीने बाद कुंभकर्णीय नींद जागी है, पार्टी ने उनके बयान से किनारा कर लिया है। दरअसल और इसमें ये कहा गया है कि किम जोंग से दुनिया परेशान है और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि किम जोंग ने बहुत तंग कर रखा है विश्व को, लगे हाथ वो संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष भी बन जाएं, थोड़ा विश्व में शांति आ जाएगी, यानी कि सटायरिकल टोंट मारा है उन्होंने कहीं ना कहीं। और उन्होंने कहा है जो मैंने आपको भी बताया कि अब मेरे शव के साथ छेड़छाड़ मत करो, पिछली बार बाबरपुर में रैलियां करके मैंने उन्हें का मतलब है गोपाल राय को जितवाया था जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए थे, इस बार सुशील गुप्ता जी की रैली कराए, वहां से सांसद बने, प्रधानमंत्री भी बने, ऐसा कहा है उन्होंने। और आप ये पूरा मसला उठा क्यों, गोपाल राय ने फेसबुक लाइव के जरिए कुमार विश्वास को पार्टी के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया था, जब से पार्टी जीतकर दिल्ली की सत्ता में आई है तब से हमने राज्यसभा जाने वाले नामों का विचार किया था, इन नामों में सबसे पहला नाम कुमार विश्वास का था, ये बात उन्हें बता भी दी गई थी। लेकिन एमसीडी चुनाव के बाद जिस तरह सरकार को गिराने के लिए षड्यंत्र रच रहे थे उन्हीं चुनावों के दौरान कुमार विश्वास ने एक वीडियो जारी करके अरविंद केजरीवाल पर हमला किया। गोपाल राय ने आरोप लगाया कि पार्टी को लगातार गिराने की साजिशों के केंद्र में कुमार विश्वास थे और कुमार विश्वास की पार्टी नेतृत्व से तनातनी अब साफ है, लेकिन अब तक उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी है और ना ही पार्टी ने उन्हें निष्कासित किया है। इसके साथ ही आप दिखाऊंगी मैं आपको कुमार विश्वास आखिर ये देखिए आप कुमार विश्वास को राज्यसभा नहीं भेजने का वही जो मैंने आपको बताया कि गोपाल राय ने कहा है कि कुमार विश्वास ने पार्टी के खिलाफ बहुत काम किए हैं इसलिए ऐसा हुआ है। इसके साथ ही आप देख सकते हैं फेसबुक लाइव के जरिए जैसा कि मैंने अभी आपको न्यूज़ दिखाई है फेसबुक लाइव के जरिए उन्होंने साफ साफ बयां किया है कि कुमार विश्वास ने पार्टी के खिलाफ काम किया था इसलिए हुआ है। कपिल मिश्रा का जिक्र करना चाहूंगी, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ करोड़ों रुपए की घूस का आरोप लगाया था, उसके बाद काफी दोनों नेताओं में बड़ी तनातनी हो गई थी। कपिल मिश्रा का आरोप अरविंद केजरीवाल ने राज्यसभा के लिए सीटें बेच दी हैं, यानी कि उन पर केजरीवाल पर आरोप लगाया कि उन्होंने पैसों के लिए सीटों को बेचा है। आप देख सकते हैं बयान कि कपिल मिश्रा ने कहा है कि बोली लगाई गई है सीटों की, हर तरफ चर्चा है कि आम आदमी पार्टी ने 2 सीटों के लिए पैसा दिया है और उन्होंने कहा है कि कुमार विश्वास की जगह अरविंद केजरीवाल ने बाहर के लोगों
को राज्यसभा प्रत्याशी घोषित कर दिया है। पार्टी ने समर्थित कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर दिया है। इससे पार्टी पर पैसे लेकर सीटें बेचने के आरोप सही साबित हो रहे हैं और उन्होंने कहा है कि राज्यसभा सीटों का ये खेल पैसों के इर्द गिर्द चल गया है। दिल्ली से इस बार राज्यसभा के लिए एक भी दलित महिला या मुस्लिम उम्मीदवार नहीं पहुंच रहा है, जबकि अरविंद केजरीवाल ने पंजाब चुनावों के दौरान दलित या मुस्लिम को उप मुख्यमंत्री बनाने की बात तक कह दी थी। इसके साथ ही कपिल मिश्रा ने आगे कहा कि नामों से पार्टी कार्यकर्ता और आंदोलन से जुड़े लोग हैरत में हैं। कपिल ने कहा है वो खुद चाहते हैं पार्टी इतनी बड़ी गलती ना करे, वरना आम लोग और आप कार्यकर्ताओं में पार्टी की खराब तस्वीर जा रही है। इसके साथ ही कुमार विश्वास को लेकर कपिल ने कहा है कि मीना सान्याल, कुमार विश्वास, स्वाति मालीवाल जैसे सक्रिय सदस्यों को राज्यसभा भेजा जा सकता था, तो फिर सुशील गुप्ता और नारायण दत्त गुप्ता को क्यों भेजा गया? जब पार्टी में पहले से इतने बड़े नेता मौजूद हैं तो फिर क्यों बाहरी नामों पर विचार किया गया? जैसा कि मैंने आपको पहले भी ये जानकारी दी थी कि अरुण शौरी, यशवंत सिन्हा, इसके साथ ही रघुराम राजन जो कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं, उनको भी भेजा गया था प्रस्ताव, लेकिन इन सभी लोगों ने सिरे से खारिज कर दिया अरविंद केजरीवाल के प्रस्ताव को। इसमें एक सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि आखिर केजरीवाल को अपने नेताओं पर विश्वास क्यों नहीं है? कुमार विश्वास पार्टी के संस्थापकों में शामिल हैं, तो आखिर उनको कुमार विश्वास पर विश्वास क्यों नहीं है? पार्टी में और बड़े नेता हैं, उनको क्यों नहीं लाया जा रहा है? एक कार्यकर्ता है, उनका नाम सामने आया है, उन्होंने कहा है कि उनको टिकट दिया जाए। कपिल मिश्रा ने कहा है ट्वीट करके कि वो चुनाव लड़ाएंगे, सुशील गुप्ता जहाँ से खड़े हो रहे हैं उनके खिलाफ उन महिला को टिकट देंगे। वो पार्टी के कार्यकर्ता थे, उनका निधन हो गया, वो उनकी माँ है और उनको अब टिकट दिया जाएगा। कपिल मिश्रा ने ऐसा ऐलान कर दिया है, खुद कहा है कि वो हरा कर रहेंगे सुशील गुप्ता को। साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि अमानतुल्ला खां को लेकर भी फैक्टर सामने आया है कि अमानतुल्ला खां कुमार विश्वास की नहीं बनती है और इसको इनडायरेक्टली तौर पर कहीं ना कहीं इस पर बहुत बड़ा गेम खेला गया है और कुमार विश्वास को राज्यसभा टिकट नहीं दिया गया है। क्या वाकई इसके पीछे अमानतुल्ला खां का हाथ है या फिर कुछ और भी साजिश हो सकती है या फिर खुद कुमार विश्वास अपने ही हाथों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार गए क्योंकि उन्होंने पार्टी की गतिविधियों में पार्टी के खिलाफ जाकर जो गतिविधियाँ की, जैसा कि गोपाल राय ने खुद कहा है कि उन्होंने पार्टी के खिलाफ गतिविधियाँ की हैं इसलिए उनको टिकट नहीं दिया गया है। बहुत अब इसके बाद दंगल होगा आम आदमी पार्टी में। आज नामांकन की अंतिम तारीख है और कल यानी कि माफी चाहूंगी 18 जनवरी को चुनाव होंगे, तो ऐसे में अब देखना होगा कि आखिर क्या होता है। कुमार विश्वास का भविष्य अब देखना बाकी दिलचस्प है कि कुछ लोग कह रहे हैं पार्टी छोड़ देंगे, कुछ लोग कह रहे हैं कि पार्टी से निकाले भी जा सकते हैं, लेकिन कुमार विश्वास चुपचाप हंसते हंसते सटारिकल टोंट में तंज कसते हुए कटाक्ष करते हुए अपनी भावनाओं की अपनी आहत भावनाओं को जाहिर कर रहे हैं मीडिया के सामने, लेकिन पूरी तरह से उनके बयान को अगर नोटिस किया जाए तो बहुत दर्द है उनके बयानों में, उनको बहुत दुख पहुँचा है राज्यसभा ना जाने में। यानी कि राजस्थान, जी हाँ राजस्थान का पॉइंट उसमें जोड़ना चाहूँगी, राजस्थान में इस साल चुनाव होने वाले हैं, अजमेर की लोकसभा सीट पर उपचुनाव बाकी हैं, तो क्या अरविंद केजरीवाल ने कुमार विश्वास से पंगा लेके बहुत बड़ी गलती कर दी है या फिर बहुत बड़ा एक सही काम कर दिया है? क्योंकि हो सकता है कि इससे पार्टी को आने वाले दिनों में कोई बड़ी भरपाई ना भरनी पड़े, क्योंकि कोई कुमार विश्वास लगातार कहा जा रहा है कि भाजपा के पक्ष में बोलते हैं, भाजपा के एजेंट करार दिए जा चुके हैं अमानतुल्ला खां की तरफ से, तो क्या अब कुमार विश्वास भाजपा में शामिल होंगे या फिर लेंगे कोई बड़ा फैसला या फिर रहेंगे पार्टी में बरकरार और करेंगे इसी तरह बगावत केजरीवाल के खिलाफ? फिलहाल अब देखते हैं आगे क्या होता है आम आदमी पार्टी में। तो दर्शकों आज के खास प्रोग्राम में बस इतना ही, एक बार फिर से अहम मुद्दे को लेकर आपके सामने मैं आऊंगी, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार।